तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सॉर्ट करेंगे हफमैन कोडिंग के लिए. तो पहले सी आ गया 8, देन हमारा आ गया बी दैट इज 6. नाउ अपना ए रख लेते हैं हम 4, देन एस, सॉरी एस नहीं, ई 4, एंड उसके बाद 8 6 4 4 हो गया, देन 2 दैट इज डी, और लास्ट में आपका आ जाएगा एस. करेक्ट है इतना? ठीक है, 8 6 4 4 2 1, यानी कि सारे अल्फाबेट आ गए 3 and 3 6 सारे. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप था ट्री बनाना है हमको, बाइनरी ट्री. तो बाइनरी ट्री आई थिंक बिल्कुल करेक्ट बनाई है खुशी ने, चेक कर लेते हैं एक बार. सबसे लोअर नोड, लोअर से स्टार्ट करेंगे, बॉटम टू अप अप्रोच है, यानी कि डाउन टू हम अप जाएंगे, पहले नीचे से कंस्ट्रक्ट करते हुए फाइनल रूट को हम बनाएंगे. तो सबसे पहले सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाला नोड ले लेंगे यहाँ पर हम लोग. ठीक है, तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाला नोड कौन सा? अपना एस. तो हमने एस को यहाँ पर रखा, दिस इज एस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि बाइनरी ट्री है तो दो चाइल्ड होने चाहिए, तो दूसरा आ गया डी. ठीक, तो डी को हमने यहाँ पुट कर दिया. अब एस को लेफ्ट साइड क्यों रखा और डी को राइट साइड क्यों रखा? बिकॉज हम लोग इसमें एक रूल फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि हम छोटी वैल्यू को लेफ्ट साइड रखेंगे एंड बड़ी वैल्यू को राइट साइड रखेंगे. ठीक है, अगर आप रिवर्स करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिर आपको पूरे क्वेश्चन में वही फॉलो करते हुए चलना है कि बड़ी वैल्यू को आपको लेफ्ट रखना होगा और छोटी वैल्यू को राइट. मिक्स नहीं कर सकते कि कहीं पर भी कुछ भी पुट कर रहे हो. तो हमने एक ही चीज़ पकड़ के चल रहे हैं कि छोटी वैल्यू को हम लेफ्ट साइड रखेंगे एंड बड़ी वैल्यू को हम राइट साइड में रखेंगे. तो एस यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया. देन इन दोनों को ऐड करके इनका पेरेंट नोड हम बनाएंगे. तो एस की वैल्यू क्या है? 1, एंड डी की वैल्यू क्या है? 2. तो इसको हमने जोड़ दिया तो कितना बन गया? 3. ठीक है, दिख रहा है ना सबको? क्लियर? इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है बट रीडेबल है. ठीक है, तो 3 यहाँ पर बन गया अपना न्यू पेरेंट. तो अब देखो इन दोनों के बदले एक न्यू वैल्यू हमारे पास आ गई 3. तो 3 को अगर हम इस सीक्वेंस में अभी भी पुट करें तो अपने अपने जो ये प्लेस लेगा ये यही वाला लेगा. हो सकता है कि कभी ऐड करके ये कहीं बीच में फिट हो. ठीक है, तो सॉर्टिंग इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमको करेक्ट सीक्वेंस दिखता रहे बार बार कि आप किसको लेकर के आगे चलना है. तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास एक पेरेंट नोड आ गया 3. तो हम 3 को इस में डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर रखें इन नोड्स में तो सबसे लास्ट में ही आएगा ये. तो अब अपने पास 3 कौन सी है? 8 6 4 4 और 3 वाली वैल्यूज बची हैं. तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 3. तो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही. अब 3 के साथ एक और चाइल्ड हमको चाहिए तो ई को ले लेंगे क्योंकि ई को हमने यहाँ पर रखा है. तो ठीक है, ई इन्होंने भी ई लिया हुआ है. ओके, देन 3 और ई की वैल्यू कितनी है? 2. 3 एंड 2 कितना होता है? सॉरी 4 4, सॉरी ई की वैल्यू 4 है. 3 एंड 4 कितना हो गया यहाँ पर? 7. ठीक है, तो एक इन दोनों को मिला करके अब 3 एंड 4 को मिला करके अपने पास एक वैल्यू आई 7. यहाँ पर 7 फॉर्म हुआ था. तो अब इस 7 को हम कहाँ पर रखेंगे? ठीक है, इन दोनों को ऐड करके अपने पास वैल्यू आई 7. तो अब 7 अगर हम इस ट्री में रखें, ये आया ना यहाँ पर 7, तो अब इसको हम इस सीक्वेंस में कहाँ पर पुट करेंगे? तो ये यहाँ पर आएगा ऑब्वियसली, 8 7 6 4. तो अब ये 7 अपना यहाँ पर आएगा. ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा लास्ट में क्योंकि इसमें जाकर के फिट होगा, इस पूरी लिस्ट में जाकर के. तो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो 8 के बाद आएगा ये 7. अब देखो अपने पास कौन कौन सी वैल्यूज बची है लोएस्ट, ए और बी. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है. ठीक, तो ये वैल्यू आई यहाँ पर 7. अब देखो ए और बी दोनों ही वैल्यू यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो 7 है, तो ए के साथ 7 नहीं, ए के साथ बी ऐड होगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कल के क्वेश्चन से चेंज हुआ, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, तो गलती आप लोग की भी नहीं है. ये न्यू सीन क्रिएट हुआ है तो इसके लिए मुझे रूल आज बताना है आप लोगों को.
ठीक है, तो अच्छी बात है आप लोगों ने अपने हिसाब से किया, लेकिन अब ध्यान में रखना है इस टाइप की सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है उस केस पे। अब क्योंकि ये जो अपना न्यू नोड है ये तो जाकर के इस लोकेशन पे प्लेस हो गया है, तो अब जो लोएस्ट वैल्यूज हैं दीज आर ए एंड बी, 4 एंड 6, राइट? 4 एंड 6 है, समझ नहीं आया नितेश बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। ओके ठीक है, हाँ पवन आप क्या बोल रहे हैं, पूछ मैम, सकती एक हो। ब्लैंक पेज पे वापस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम वापस स्टार्टिंग से करते हैं। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, ए था आपका, ये था हमारे पास कितना, 4, ठीक है, और बी था हमारे पास 6, और उसके बाद डी था हमारे पास 2। वैल्यूज एक बार देख लेना करेक्ट हो गलत ना हो, ना आंसर चेंज ही आएगा फिर। E4S1C8, ई 4S1C8, सी है अपने पास 8, ठीक है। ये था क्वेश्चन कल का, ये फ्रीक्वेंसीज हैं गिवन कैरेक्टर्स की, अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो पहला स्टेप कि इनको कर दो सॉर्टिंग कर दो। तो सॉर्टिंग कैसे होगी, सबसे बड़ी वैल्यू को हम ऊपर रखें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर रहे हैं। सी की वैल्यू है 8, सी की फ्रीक्वेंसी है 8, देन बी आ जाएगा दैट इज 6, देन आ जाएगा हमारे पास ए, और ए है अपना 4, देन आ जाएगा अपना ई, ई भी 4 है, देन डी, डी 2 है, देन आ जाएगा एस, एस 1 है, 6, 8, 6, 4, 4, 2, 1, ठीक है। ये जो इक्वल वाले हैं इसमें आप किसी को भी ऊपर या किसी को भी नीचे रख सकते हो, मैंने जैसे गिवन था उसी के हिसाब से ए को पहले रखा, ए को बाद में रखा, ठीक है, इस पे कोई रूल नहीं है। अब ये स्टेप नंबर 2 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब हमको करना क्या है, बाइनरी ट्री बनानी है, ठीक। बाइनरी ट्री बॉटम टू अप अप्रोच है, तो सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू को ले लेंगे, यानी कि एस को हमने ले लिया, लेफ्ट साइड पुट किया क्योंकि ये स्मॉलर है, देन डी। इतना क्लियर है आप लोगों को कैसे रखनी है वैल्यूज, डी है ये, ठीक है, ये आ गया 2। इन दोनों का एक पैरेंट नोड बनेगा जो कि इन दोनों का सम होगा, और 2 प्लस 1 कितना बनता है, 3, ठीक है। इतना क्लियर है सब लोगों को, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। अब ये जो न्यू वैल्यू आई है 3, उसको इन दोनों को तो हमने यूज कर लिया, देखो मैं थोड़ा सा इंक का कलर चेंज कर देती हूँ। इन दोनों को तो हम क्या कर चुके हैं, सम अप कर चुके हैं, इन दोनों को हम सम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू तो अब अपने पास लिस्ट में नहीं है, लेकिन इन दोनों की जगह पर एक वैल्यू आई अपनी 3, ठीक है। अब इस 3 को हमको इस पूरी लिस्ट में पुट करना है। अब इस लिस्ट में ये दोनों वैल्यूज तो नहीं रही, लेकिन इन दोनों की जगह पर एक वैल्यू आई 3, तो 3 को आप इस सॉर्टेड लिस्ट में रखो। तो सॉर्टेड का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा, तो 3 कहाँ पर आएगा, इस लिस्ट में कहीं पर तो आएगा ना, सबसे नीचे आएगा क्योंकि 3 सबसे छोटा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे छोटी वाली सबसे नीचे आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अब एक वैल्यू अपने पास 3, दूसरी 4, देन 4, देन 6, देन 8। अब लोएस्ट वैल्यू कौन कौन सी हुई, 3 और 4, तो 3 तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है ही, मतलब एक है ही जगह पर अपने, तो जो इससे बड़ी वैल्यू है दैट इज ई, वो कहाँ आएगी, इसके ऑब्वियसली राइट साइड में, क्योंकि ये इससे बड़ी है,
इतना क्लियर है, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जहां पर भी कंफ्यूजन हो वहां पर पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। अब आएगी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो अब देखो अपने ये वाला नोड भी गया, ई जो था ई भी अब अपनी लिस्ट में नहीं है, ये भी हमने यूज कर लिया, और 4 और 3 मिलकर के क्या बन गए थे, 7 बन गए थे। अभी 7 को इस लिस्ट में हमको रखना है, ठीक है, 8, 6, 4 और 7 है अपने पास। अब इस लिस्ट को जरा सॉर्ट करो तो क्या लिस्ट बनती है, 8, 7, यहाँ पर आ जाएगा ना 7, 8, 7, 6 एंड 4, ये लिस्ट बनेगी। अब ये 7 यहाँ पर नहीं रहेगा, कहाँ चला जाएगा, सॉर्टिंग के हिसाब से 8 के नीचे आ जाएगा। अब ये लिस्ट बनी है अपनी, तो अब किन लोएस्ट वैल्यू वाले दो नोड्स कौन कौन से अपने पास, ए और बी, ना कि 7। तो ए और बी को लेकर के आगे चलेंगे, इस 7 को अभी हम टच नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आया। कैसे करेंगे वो मैं आगे दिखा रही हूँ। सॉर्टिंग के हिसाब से ये यहाँ पर क्यों आया वो आपको पता होना चाहिए। तो अब अपने पास ए और बी दो वैल्यूज हैं, तो भाई हम क्या करते हैं, ए और बी को कहीं भी आप पुट कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा दिखने में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी अब, बट ओके। अब ए को हम रख लेते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू है कितनी 4, और बी की वैल्यू इससे ज़्यादा बड़ी है तो हम इसको राइट साइड में रख लेंगे। ये आ गया आपका बी, और बी की वैल्यू है 6, दोनों को ऐड किया तो कितना बना, 4 + 6 बनता है 10। बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज की जगह पर एक न्यू वैल्यू अपने पास आई 10। अब लिस्ट मनी अपने पास 8, 7 एंड 10, बताओ अब कि 10 कहां पर आएगा। अभी मैंने 7 को कहीं भी ऐड ही नहीं किया खुशी, ठीक है, अभी मैंने 7 को कहीं भी किसी के साथ ऐड नहीं किया, ये दोनों ये अलग ही नोट चल रहे हैं अपने, ठीक है। तो अभी ना इसके लेफ्ट में है ना इसके राइट में है, मैंने अपनी मर्जी से कहीं भी पुट किया है, ठीक। तो अभी ये बताओ कि ये जो 10 आया इन दोनों को जोड़कर, इस लिस्ट में ये कहां पर प्लेस होगा। बिल्कुल सही, सबसे ऊपर आएगा, बिकॉज 10 सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, तो आएगी 10 सबसे ऊपर, राइट, ठीक। सी के भी ऊपर आएगा, तो ये 10 यहां से चला जाएगा, सॉर्टिंग के हिसाब से पहुंच जाएगा 10 यहां पर। सारी विंडो आपको शो हो रही है ना, ठीक है। तो अब अपने पास क्या वैल्यूज बची, ये वैल्यू तो हमने यूज कर ली है, इनको भी अब दोबारा यूज नहीं करोगे आप, तो अपने पास क्या क्या वैल्यूज बची है, 10, 8 एंड 7, ये बचा 10, 8 एंड 7। तो सबसे लोएस्ट वैल्यूज कौन कौन सी है अभी अपने पास, 7 और 8, 10 नहीं है, 7 और 8 है। तो 7 तो अपने पास यहाँ पर है ही, ये जो हमारा नोड है यहाँ पर 7 वो तो है ही। अब इसमें 8 को ऐड कर लो, यानी कि यहाँ पर C आएगा इसके राइट साइड में, क्योंकि लार्जर है, तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8। इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो क्या बनती है वैल्यू, 7 और 8 कितना होता है, 15, राइट, 15, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने, ये 5 है, ठीक है, 15 हुआ 7 और 8। तो अब अपने पास इन दोनों की जगह पर एक न्यू वैल्यू आई, इन दोनों की जगह पर एक न्यू वैल्यू आई 15। तो अब 15 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ से हट करके सबसे ऊपर 15 आ जाएगा, ठीक। तो अब अपने पास दो ही वैल्यू बची है, 10 और 15, ठीक। तो 10 को हम इस साइड रखना चाहिए था हमको ये, राइट, तो क्या करें, इसको इस साइड रख दें अभी भी, चलो इसको यहाँ से हटाकर सेम एज इट इज इस तरफ बना लेते हैं। वो हमको पता नहीं चलेगा पहले एक बार, या तो हमको ड्राई रन करके देखना पड़ेगा कि जो वैल्यूज आएंगी किस तरफ रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल 10 को इस साइड होना चाहिए, 15 को इस साइड होना चाहिए, दोनों का सम अप यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है।
इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन फिर जो कोडिंग करेंगे ना उसमें चेंजेस आ जाएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा करके, इसलिए आप पहले रफ बनाना देन फेयर पे आना, तो ये सही रहेगा एग्जाम के हिसाब से। तो मैं तो इरेजर लेकर के इसको ए बी और ये 10 को यहाँ से अभी कर रही हूँ डिलीट, ठीक है। और ये मैंने फिर से पेन ले लिया और ये आ गया वैल्यू ए और ये आ गई वैल्यू बी और ये आ गई इन दोनों का सम दैट इज 10, ठीक है। ए था हमारा 4 और ये था हमारा 6, ठीक। अब वैल्यूज कौन कौन सी बची है अपने पास, 10 और 15। तो 10 लेफ्ट साइड में है और 15 राइट साइड में है, तो बिल्कुल सही सीक्वेंस है। अभी अगर आप गलती से इस तरफ कर दो पहले, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा कि जो नए नोट बनेंगे वो ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, तो ठीक है रफ में करो तो आपको पता चल जाएगा कि हमको फेयर में किस तरफ इसको लेकर के आना है। अब इसको हम दोनों को फाइनली, क्योंकि दो ही नोट बचे हैं तो दोनों को ऐड कर दो और इनकी वैल्यू हो जाती है टोटल 25, बन गया। तो ये अब इन दोनों की जगह पर हमारा रूट नोड आ गया 25, तो खत्म। अब इसमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक ही नोड बचा है, तो लास्ट में हमको फाइनल एक नोड तक पहुंचना है। अब हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे 10 10 10। इतना समझ में आया ट्री कैसे बनी? अब ये कनेक्टेड है, नहीं आया समझ में? अच्छा, क्या चीजें समझ में नहीं आई है तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लो, आगे का तो आप लोग को आता ही है, वो तो कैलकुलेशन है जस्ट।